और ये जो है 14 साल की है, 31 मार्च 2019 को, और इसने उत्तर प्रदेश से 8वीं पास करी है और वहां पे दादा दादी के पास रहती थी ये, और अब जो है ये यहाँ अपने पिताजी के पास आ गई क्योंकि दादा दादी की डेथ हो गई है, और अब यहाँ पे अप्रैल से चक्कर लगा रही है कापसहेड़ा के स्कूलों के अंदर। तो किसी ना किसी वजह से जो है इसको दाखिला मना कर रहे हैं और अब फाइनली इसको कह दिया कि सीट नहीं है। तो हम रूबी से बात करते हैं। रूबी, आप बताओ, आप पहले कहाँ पढ़ते थे? कहाँ पर पढ़ते थे? बदायूं में। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पहले से आठ तक। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट स्कूल था? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे हा? और अब जो है आप दिल्ली आ गए हो। क्यों आ गए दिल्ली? क्योंकि दादी दादा की डेथ हो गई। हाँ, जिनके पास मैं रहती थी और पढ़ती थी। हाँ, तो अब दिल्ली में आ गए। तो अब दिल्ली में जब ये आपने जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिख रहा है कि आपने 16 अप्रैल 2019 को ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया। हाँ। फिर आप दिल्ली में आ गए। हाँ। फिर आप कौन से स्कूलों में चक्कर काट रहे हो और क्या हो रहा है आपके साथ? जब स्कूल में गई थी तो बोला था मेरे आधार कार्ड चेंज करवाओ। अच्छा, पहले आपको बोला आधार कार्ड चेंज कराओ। हाँ। फिर आपने करा लिया आधार कार्ड। हाँ, हाँ। फिर क्या बोले? फिर बोला खाता खुलवाओ। अच्छा, फिर खाता खुलवाओ। खाता खुलवा लिया। और फिर बोले जब मार्क सीट पे देखो काउंटर साइन नहीं है। हाँ, कॉन्टेक्ट साइन नहीं। फिर कॉन्टेक्ट साइन करवाने गए तो एक हफ्ता पहले आएगा। अब ये काउंटर साइन करके आप एक हफ्ता पहले आये हो। अब एक हफ्ता से क्या कह रहा है स्कूल? ये बोला सीट खाली नहीं है, अब नहीं होगा एडमिशन। तो मेवाराम जी, आप क्या काम करते हो? मजदूरी करते। कितने रुपए रोज कमा लेते हो? 250-300। अच्छा, तो आप भी जब स्कूल जाते हो गए चक्कर लगाते होगे तो आपकी दिहाड़ी चली जाती होगी? बिल्कुल जाती है। जाती है, जाती है। कौन लगा तो इस... दो घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, फिर दिहाड़ी में कौन लगा लगाता? कोई नहीं लगाता। तो कितनी दिहाड़ी खराब हो गई इसके दाखिले के लिए और दाखिला अभी भी नहीं मिला? कितनी दिहाड़ी खराब हो गई होगी आपकी? कम से कम बता रहा हूँ, एक हफ्ता लगा गाँव में, एक हफ्ता बहुत चला गया। और कम से कम 10 बार तो स्कूल में घूमा, कई बार मेरा 15 दिन तो बेकार हो ही गया। 15 दिन आपकी दिहाड़ी खराब हो गई और दाखिला अभी भी नहीं मिला है? नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को, क्या कहना चाहोगे दिल्ली सरकार को? रूबी, क्या कहना चाहोगे दिल्ली सरकार को अपने दाखिले के बारे में? कुछ कहना चाहोगे कि दाखिला मिले या न मिले? मिले। क्या करोगे पढ़ के? पढ़ के कुछ भी बन भी सकते हैं, मम्मी पापा की वो भी हो जाएगी, हाथ भी वो करेंगे। तो देखा आपने कि ये रूबी को जो है और इसने कितने मार्क्स आए थे इसके? कितने मार्क्स आए थे आपके ग्रेड? 75 से 56% इसने मार्क्स दिए हैं 8वीं के अंदर। और आप देखिए कितना मतलब मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ कि ये गरीब लोगों के बच्चे हैं और जब गांव से यहाँ अपने माता पिता के पास रहने के लिए आते हैं तो स्कूल वाले जो है कोई ना कोई बहाना लगा के दिल्ली सरकार के स्कूल जो है इनको मना करते हैं। और सीट की क्या फिलॉसफी है स्कूल में? सीट का क्या मतलब है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार का कि हर एक बच्चे को जो है स्कूल में एजुकेशन देनी है। ये सीट क्या, अगर ऐसी सीट चाहिए तो हम घर से भी तो ले जा दे सकते हैं बच्चे को, बच्चा ले जा के दे सकता है सरकार को। सरकार को शर्म आनी चाहिए, दिल्ली सरकार को।